कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल के पक्ष में प्रचार करने सोलन के गंज बाजार पहुंचे पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह। प्रत्याशी का प्रचार करते हुए वीरभद्र सिंह ने यहां रैली में हिस्सा लिया, साथ ही इस दौरान युवाओं में खासा जोश भी देखने को मिला। जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ पूर्व सीएम का जमकर स्वागत किया। गंज बाजार पहुंचे वीरभद्र सिंह, साथ ही आपको बता दें कि वीरभद्र के साथ स्थानीय विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल मौजूद रहे। गंगू राम मुसाफिर भी इस दौरान थे। साथ ही राजगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज को लेकर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि इस सरकार देश के लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश की जनता से जो भी वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया। वैसे तो केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ तो विकास किया होगा, लेकिन अगर वे अपने सभी दावों को पूरा करते तो मैं उन्हें शाबाशी देता। इस तरह से उन्होंने विपक्ष पार्टी पर जमकर प्रहार किया, मोदी सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए। वीरभद्र सिंह का गंज बाजार पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि धनी राम शांडिल यहां के प्रत्याशी जिनके पक्ष में जनता से वोटों की अपील करते हुए नजर आए, चुनावी रैली में हिस्सा लिया। देखा जाए तो इस मौके पर कार्यकर्ताओं और युवाओं में काफी जोश भी देखने को मिला। तो वहीं बीजेपी सरकार के कामकाज को लेकर भी उन्होंने बयान दिया, कहा कि अगर मोदी सरकार ने अच्छा कामकाज किया होता तो मैं उन्हें शाबाशी देता। कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत, साथ ही देखा जाए तो इस जनसभा के दौरान काफी संख्या में युवा भी मौजूद रहे। युवाओं में खास तौर पर जोश देखने को मिला। ढोल नगाड़ों के साथ युवा और कांग्रेसी कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए नजर आए।